इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आपने डू नॉट स्पिट, डू नॉट रिंस, डू नॉट यूज माउथ वॉश, डू नॉट डू एनीथिंग, और खुद खुद भी ओवरडू नहीं करना। This is Dr. Sahib Manans. I'm a renal surgeon in Lahore, practicing in Malta and Valencia. We have two branches in Lahore. आज का हमारा टॉपिक ये है कि पेशेंट्स अमूमन दांत निकलवाने के बाद पेन के साथ दोबारा वापस आ जाते हैं कुछ देर तक, कुछ दिनों तक। सो उसकी क्या वजूहत हैं? सबसे पहले ये कि आपने इंस्ट्रक्शंस जो आपके डेंटिस्ट ने आपको सजेस्ट की हैं वो आपने बहुत रिलीजियसली स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अगर आप उसमें से कुछ भी कोताही या अपनी मर्जी से कुछ चीज़ आप ऐड करेंगे तो उससे आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं और जो बहुत पेनफुल हो जाते हैं। अमूमन दांत निकलवाने के बाद पेशेंट्स हमें 2-3 घंटे बाद कॉल करते हैं और हमें समटाइम्स वो परेशान हो रहे होते हैं कि हमें अभी हमने दांत निकलवाया है 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले और हमें शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई है, या 1 घंटा पहले हमें शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई है, इसकी क्या वजह है? वो 90% उसकी वजह ये होती है कि आपके डेंटिस्ट ने आपको सजेस्ट किया होता है कि आपने दांत निकलवाने के बाद अभी घर जाते हुए रास्ते में मेडिसिन परचेज करके खा लेनी है। तो वो अमूमन पेशेंट्स नहीं करते, वो भूल जाते क्योंकि उनको पेन नहीं हो रहा था, वो जगह सुन हुई होती है। सो उनको लगता है कुछ इशू होगा भी नहीं। सो जिसकी वजह से वो जब तक घर पहुंचते हैं या वो जब तक वो मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन का जब हम पेन केलर लेंगे तो उसका ऑन सेट होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। सो इस टाइम ड्यूरेशन में उनको शदीद तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत पैनिक कर जाते हैं। दिस इज़ अ रियली कॉमन प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक सिंपल सा है कि जब आप क्लिनिक से निकलें, आपके डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया हुआ है कि आपने जाते हुए मेडिसिन ले लेनी है, तो यू नो दैट मीन्स आपने ले लेनी है। अगर आप नहीं लोगे तो आपको बहुत पेन स्टार्ट होगा। इसमें डेंटिस्ट का कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें आपने ही कोताही की है कि आपने टाइमली मेडिसिन ली। दूसरा ये कि कुछ पेशेंट्स हम ये उनको मना करते हैं कि आपने थूकना नहीं है, कुलियाँ नहीं करनी, गर्म चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, माउथ वॉश यूज़ नहीं करना, आपके मुंह में नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, आपकी ब्लीडिंग 2 दिन तक होगी वो बिल्कुल नॉर्मल है, पैनिक नहीं करना। सो लेकिन पेशेंट्स खुद से कॉन्शियस होकर ये सब चीज़ें ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो गर्म चीज़ें लेते हैं, गर्म चाय, गर्म सालन, गर्म रोटी खाते हैं, प्लस एक और बहुत उनको स्पिट करने की जो आदत होती है, वो बार 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 उनके मुँह में ब्लड आता है तो वो स्पिट कर देते हैं। और वो वी हैव टोल्ड देम कि आपके मुँह में ब्लड है तो आप पी जाएँ उसको, डोंट स्पिट इट आउट, या आप उसको मुँह में पानी भरें और मुँह खोलते हैं तब बेहतर भरने दें, डोंट थ्रू इट when you push the saliva out of your mouth, your blood, so उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट होता है जो कि उस वूंड के अंदर जगह को हील अप कर रहा है वो वहीं से डिसलॉज हो जाएगा। एंड जब ब्लड क्लॉट ही डिसलॉज हो गया तो आपकी हीलिंग कैसे होगी? सो आपको इसकी वजह से आपको एक ड्राई सॉकेट एक कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है, विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। आपको बहुत पेन होगा, वो पेन रेडिएट करता है, मुँह से बैड ब्रेथ आती है, आपको मेडिसिन देने के पेन किलर्स देने के बावजूद भी आराम नहीं आता। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आपने डू नॉट स्पिट, डू नॉट रिंस, डू नॉट यूज माउथ वॉश, डू नॉट डू एनीथिंग, खुद कुछ भी ओवरडू नहीं करना ये सोच के कि आपका शायद ज़ख्म अच्छा सा हील होगा। इवन कि आपका खाना भी चला जाए तो वो भी निकालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि दांत नहीं है ना वहाँ पे, तो अगर खाना बाइट करते हुए खाते हुए कुछ फूड पार्टिकल चला जाए सो डू नॉट ट्राई टू टेक इट आउट, क्योंकि आप फूड पार्टिकल निकालते निकालते ब्लड क्लॉट भी निकाल देंगे, और अगर ब्लड क्लॉट निकल गया तो आपका वो हीलिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। सो वट यू कैन डू इज कि अगर आपको लगे जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, आप इरीटेट हो रहे हैं इस चीज़ से, सो प्लेस अ कॉटन और डैम्प कॉटन और डैम्प टी बैग ओवर देयर और बाइट कर लीजिए। सो उससे ये होगा कि जो आपका वूंड है वो आफ्टर वाइल वो उसमें वो ब्लड क्लॉट अच्छे से बन जाएगा 15-20 मिनट्स बाद, फिर बेशक आप वो कॉटन निकाल दीजिए। एंड वन मोर थिंग, आजकल जो वेप का और स्मोकिंग का जो ट्रेंड है वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इन द क्रिएशन ऑफ यू नो मतलब इस सिचुएशन को डेवलप करने में, विच इज़ कॉल्ड ड्राई सॉकेट। क्योंकि जब वन वी स्मोक और वी वेप तो आपके मुंह में नेगेटिव प्रेशर बनता है या वैक्यूम क्रिएट होता है, जब वैक्यूम क्रिएट बन होगा तो ब्लड क्लॉट फिर निकल जाएगा, जस्ट लाइक दैट व्हेन यू डूइंग दिस, तो ब्लड क्लॉट तो डिसलॉज हो जाएगा अपनी जगह से। सो जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत स्वे पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा स्ट्रॉ तक यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको कुछ पानी पीना है या खाना पीना है तो आप ग्लास में डाल के बेशक उसको पीजिए, लेकिन डू नॉट यूज स्ट्रॉ, क्योंकि स्ट्रॉ में भी आपका वो एक नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट होता है इन योर माउथ। उसके अलावा
जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो आपके डेंटिस्ट ने आपको सजेस्ट की हैं, उसमें आपने आई रिपीट आपने कोई चेंजेस नहीं करनी खुद से. मेडिसिन के लिए आप कुछ एडिशन या माइनस कर सकते हैं विद द सजेशन ऑफ योर डेंटिस्ट, और उसके अलावा आपको इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होगा. कोई और प्रॉब्लम हो तो यू कैन आवर हेल्पलाइन इज 24/7 अवेलेबल, सो यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस एनी टाइम यू वांट. थैंक यू.